हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास एक ओनिडा का सीआरटी टीवी आया है रिपेयरिंग के लिए। इसका देख सकते हैं कि हमने जो सप्लाई वाला पिन बोर्ड में लगा दिया है, स्विच ऑन भी है। और अब आपको दिखाते हैं इसका जो इंडिकेटर है रेड, वो भी ग्लो हो रहा है, देख सकते हैं। और अब चलते हैं, इसमें जो स्विच लगे हुए हैं देख सकते हैं, यहाँ पे उसको प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसमें जो फॉल्ट है फ्रेंड्स, वो ये है कि इसमें सप्लाई तो आ रही है, इंडिकेटर तो जल रहा है, जो रेड इंडिकेटर यहाँ पे देख सकते हैं, पर ये स्टैंड बाय से ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए, इसका हमने जो बैक कवर है उसको ओपन कर लिया है, देख सकते हैं। और अभी स्विच को बंद करते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका जो बेस है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो उसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हो, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी इसमें दे दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं इसमें कुछ कनेक्टर जैक वगैरह लगे हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सभी जैक निकाल लिए हैं और पीसीबी को हमने उल्टा कर दिया है। और सबसे मेन बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें जो एक चीप प्रोसेसर आईसी दिया है, देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट आता है। तो अभी हम चेक करेंगे कि आखिर स्टैंड बाई से ऑन क्यों नहीं हो रहा है, क्या इसमें से स्टैंड बाई सिग्नल आउट नहीं हो रहा है, या फिर जो एच आउट सिग्नल है वो नहीं आउट हो रहा है, या फिर कोई और पार्ट शॉर्ट है, वो हम चेक करके आपको बताएंगे। तो चलिए, हम सप्लाई देकर देखते हैं, उसके बाद में ये रहा हमारा मीटर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि यहाँ जो फिल्टर लगा है, देख सकते हैं ये वाला, इस पर हमें 300 वोल्ट के करीब हमें मिलना चाहिए। तो उसे हम पहले चेक कर, 319 320 के करीब आ रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट वोल्ट फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने जो प्राइमरी साइड है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने वोल्टेज चेक किया। अब आपको सेकेंडरी में कुछ वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, हमने जो ब्लैक प्रॉब है उसको हमने ग्राउंड पर लगा दिया है, और इस रेड प्रॉब से हम कुछ वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे। तो मीटर को हमने देख सकते हैं कि 200 के रेंज में रखना है। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्यूनर पे देख सकते हैं कि यहाँ 5 वोल्ट लिखा है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर लेंगे मीटर पे कि 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 वोल्ट तो नहीं आ रहा है अभी। उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं कि मेमोरी आईसी लगा हुआ है, तो इस पर भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर 5 वोल्ट ओके है। और इस प्रोसेसर के आसपास भी कुछ वोल्टेज हमें चेक करना है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेसर पे भी 5 वोल्ट आ रहा है, जो कि देख सकते हैं कि 75 पिन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 110 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है या नहीं, तो उसे हम चेक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें 124-123 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें नेक्स्ट जो चेक करना है फ्रेंड्स, वो देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पार्ट यहाँ पे मिसिंग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 110 वोल्ट का लाइन है, उसी से यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एक रेजिस्टर या फिर कोई कॉइल जैसा यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे वो जो पार्ट फ्रेंड्स वो मिसिंग है, क्योंकि यहाँ तक तो वोल्टेज आ रहा है, देख सकते हैं, अब यहाँ से आगे नहीं आ रहा है, ये देखिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वो जो पार्ट फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहेंगे कि कहाँ पर लगा हुआ है, उससे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर सप्लाई को बंद कर देंगे। और ये जो देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमें पहले चेक करना होगा कि ये शॉर्ट है या फिर ओके में है, कि हम मीटर को बजर रेंज पे रखेंगे और अपने दोनों प्रॉप से इन तीनों पिनों को हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, हमने एक और 3 नंबर के पिन पे चेक किया है, तो इसमें बजर बज रहा है, तो फ्रेंड्स ये इसमें तो बजेगा ही। और अब हम चेक करेंगे कि जो 1 नंबर पिन है फ्रेंड्स, और जो बीच वाली पिन है उसके बीच में हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पे हमने 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के बीच में प्रॉब लगाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें शॉर्टिंग बता रहा है, जबकि इसमें शॉर्टिंग नहीं बतानी चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि जो 3 नंबर पिन है, 3 नंबर पिन से 2 नंबर पे हम चेक करेंगे,
तो देख सकते हैं कि इसमें भी बजर साउंड बज रहा है फ्रेंड्स। इसका मतलब यह है कि जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो कंपोनेंट लगा था फ्रेंड्स, जो कि इस 110 सप्लाई को ESD के B1, ये देख सकते हैं कि जो 2 नंबर का पिन है फ्रेंड्स यहाँ पे, सॉरी 9 नंबर का जो पिन है फ्रेंड्स ESD का, यहाँ पे आता है। देखते हैं जो फिल्टर लगा हुआ है फ्रेंड्स 160 वोल्ट का, जो कि 110 लाइन को फिल्टर करता है। तो ये 110 वोल्ट है फ्रेंड्स, उसे यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कि ESD के 9 नंबर पिन जो कि B1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आता है सप्लाई 110। जो यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपोनेंट निकाला हुआ है उसे हम लगा देंगे, और लगाने के बाद ये हमारा जो आउटपुट ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स इसे भी हम चेंज करेंगे। उसके बाद मैं आपको सप्लाई देके दिखाऊंगा कि हमारा जो CRT TV है वो ऑन हो रहा है या नहीं। तो अगर ऑन नहीं हुआ फ्रेंड्स तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैंड बाई सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे कुछ ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा है और यहाँ पे कुछ रेजिस्टर भी लगे हुए हैं 3-4। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि 5 वोल्ट का है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी एक सेक्शन पे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कॉइल निकाला हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें जो कंपोनेंट लगाना है फ्रेंड्स उसे हम लगा देंगे, और उसके बाद में जो आउटपुट ट्रांजिस्टर उसे भी हम चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट लगा हुआ था जो कि एक इंडक्टर कॉइल था, तो इस PCB से हमने निकाला फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि ये वाला जो है, तो इसी को फ्रेंड्स हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई जंपर भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप इस कॉइल को ही लगाएं। तो चलिए फटाक से हम आपको लगा के दिखाते हैं। तो वो इंडक्टर कॉइल था फ्रेंड्स, वो हमने लगा दिया है, और अब चलते हैं इस आउटपुट ट्रांजिस्टर को हम चेंज करते हैं, ये वाला जो देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसका नंबर आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका नंबर 2103, देख सकते हैं 2103, ये हमारा जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का नंबर फ्रेंड्स देख सकते हैं MD2103DFX, इस तरह से फ्रेंड्स का नंबर है। तो यहाँ पे आप MD1803 भी आप लगा सकते हो फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स हम दूसरा एक ट्रांजिस्टर लेते हैं और उसे आपको लगा के दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स इसे हम लगा के दिखाएंगे, और ये वाला जो फ्रेंड्स ये शॉर्ट है, और ये वाला जो है ये ओके है, तो इसे हम लगा के दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो इंडक्टर कॉइल गायब था यहाँ से, वो हमने यहाँ पे लगा दिया है, और ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स वो भी हमने बदल दिया है। और अब आपके यहाँ पे हम शॉर्टिंग चेक करके दिखाएंगे कि यहाँ पे शॉर्टिंग अभी भी है या फिर ठीक हो गया है। तो हम रखेंगे बजर मोड पे, उसके बाद में आपको यहाँ पे हम चेक करके दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पिन है और जो बीच वाली पिन है फ्रेंड्स उस पर हम चेक करेंगे, उसके बाद हम प्रॉप को पलटी भी करेंगे। ये देखिए शॉर्टिंग बिल्कुल चली गई फ्रेंड्स। बिल्कुल पूरी तरह से ओके फ्रेंड्स, इस पर अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो 1 नंबर पिन है और ये जो 2 नंबर पिन है फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। और ये वाला जो पिन है फ्रेंड्स, जो 3 नंबर का पिन है, ये 3 नंबर और ये 2 नंबर वाला पिन जो फ्रेंड्स, ये आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो इंडक्टर कॉइल लगाया था 110 वोल्ट आता है, वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है या नहीं, उसे आपको हम चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मीटर को हम रखेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं कि 200 रेंज पे DC। उसके बाद में एक प्रो हमने देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड लगा लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीटर में कि 190 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडक्टर कॉइल था फ्रेंड्स, उसके दूसरे साइड वोल्टेज आ रहा है या नहीं, हम चेक करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है। तो अभी तो ESD ऑन नहीं है फ्रेंड्स, तो आउटपुट ट्रांजिस्टर के इस पिन पे भी हमें सेम वोल्टेज मिलेंगे, देख सकते हैं। और जब ESD ऑन होगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी के साथ स्विचिंग होगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जब ESD ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको इस बीच वाली पिन पे वोल्टेज नहीं चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज के साथ यहाँ पे स्विचिंग होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मीटर है वो भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए अब PCB को हम सीधा करते हैं, उसके बाद आपको हम इसका जो स्विच है फ्रेंड्स
इस स्विच को हम प्रेस करके देखते हैं कि हमारा जो स्टैंड बाय वो ऑन हो रहा है या नहीं। कि हमने जो पीसीबी फ्रेम्स वो लगा दिया है और अब चलते हैं स्विच को ऑन करते हैं। इसे हम डायरेक्ट में लगा देंगे फ्रेंड्स। वहाँ पे देख सकते हैं कि रेड इंडिकेटर जो है फ्रेंड्स ग्लो हो रहा है। तो अभी चलते हैं हम आगे से जो उसका स्विच है फ्रेंड्स उसे हम प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टीवी फ्रेंड्स वो ऑन हो गया है। ये देख सकते हैं। तो चलिए अभी से हम इसमें ऑडियो वीडियो सिग्नल भी लगा के आपको दिखाते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे बेस पे कुछ इम्पोर्टेंट वोल्टेज होते हैं उसे भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे, जो कि 180 वोल्ट होता है और हीटर का भी सप्लाई होता है फ्रेंड्स। तो प्रॉप को हम लगा देंगे ग्राउंड पे, मीटर को हम रख लेंगे 200 डीसी के रेंज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो 180 वोल्ट है फ्रेंड्स वो बिल्कुल परफेक्ट है। देख सकते हैं कि पिक्चर भी आ रहा है फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल क्लियर है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सीआरटी टीवी है बिल्कुल ओके हो गया है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो सीआरटी टीवी है ये न्यू टेक्नीशियन के पास से आया हुआ था, जिनसे शायद ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाला जो भी नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स अगर आपको कुछ नॉलेज मिला फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी।